भगवान बुद्ध अहिंसा के पुजारी। बौद्ध धर्म को हम मानवीय धर्म कह सकते हैं क्योंकि बुद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मनुष्य को महत्व देता है। भगवान बुद्ध ने अहिंसा के साथ ही अपने धर्म के अंग के तौर पर सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता की शिक्षा दी है। उनका मुख्य ध्येय इंसान इसी धरती इसी जीवन में मुक्ति दिलाना था, न कि मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्ति का काल्पनिक वादा करना। बुद्ध ने साफ कहा था कि उनका उपदेश स्वयं उनके विचार पर आधारित है। उसे दूसरे तब स्वीकार करें तब वे उसे अपने विचार और अनुभव से सही पाए। जिस प्रकार एक सुनार सोने की परीक्षा करता है उसी प्रकार मेरे उपदेशों की परीक्षा करनी चाहिए। दूसरी किसी भी धर्म संस्थापक ने कभी यह बात नहीं की। यही कारण है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने दूसरे किसी धर्म को न अपना कर बौद्ध धर्म को ही चुनाव किया। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार बौद्ध धर्म नैतिकता पर आधारित विज्ञान के संबंध रखने वाले धर्म वे फिर भी हम यही बौद्ध ग्रंथों में कोई विवरण आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के विरुद्ध पाते हैं तो बौद्ध होने के नाते हम उसे स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसी स्वतंत्रता अन्य किसी भी धर्म में नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार धर्म प्रत्येक समाज के लिए नैतिकता का निर्धारण तत्व होता है और उस समाज के अनुसार बनाए रखने के लिए धर्म की कुछ शर्तें पूरी करनी होती है जिसे विज्ञान सम्मान या बुद्धि संगत होना चाहिए। साथ ही उसे स्वतंत्रता समानता और कुछ बुद्धत्व के मूलभूत तथ्य को मान्य करना चाहिए और गरीबी का समर्थन नहीं करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार बौद्ध धर्म सभी कसौटियों पर खरा उतरा है। यद्यपि बौद्ध धर्म बहुत ही प्राचीन धर्म है और अपने 2500 वर्षों की अवधि में अनेक उतार चढ़ाव से वह गुजरा है जिसका कुछ समय लिए तेजी से अपनी ही हुई, किंतु बाबा साहेब द्वारा सामुदायिक धर्म स्वीकार आंदोलन के बाद भारत में यह तेजी से प्रसारित हुआ है। इस आंदोलन ने हम दलितों के मनुष्य को दर्जा दिलाया है जिसमें हम कई तरह से स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं। इस धर्म क्रांति के कई वर्षों के बाद भी जो समस्याएं हैं उसका कारण है कि ये समझ ही नहीं पाए कि डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को क्यों चुना। इसी तरह सामूहिक धर्म परिवर्तन के आंदोलन के महत्व को समझने में हमारी असफलता रही है। साथ ही इस आंदोलन को हम उस विशाल दृष्टिकोण से देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते और यही कारण है कि हम अपने दायरे से ऊपर किसी महान कार्य करने की भावना से प्रेरित नहीं हो पाते। इसलिए धर्म जाति क्रांति के कार्य करने के बारे में विचार नहीं करते, उल्टे हम बहुत ही संकीर्ण विचार से व्यक्तिगत मामलों में ही उलझते रहते हैं। एक प्रश्न है जिसका उत्तर प्रत्येक धर्म अवश्य देना चाहिए। शोषितों को पैरों तले कुचलने लोगों के लिए वह किस तरह की मानसिक और नैतिक राहत पहुंचाता है? यह क्या हिंदू धर्म पिछड़े वर्ग और अछूत जाति जनजातियों के करोड़ों लोगों को कोई मानसिक और नैतिक राहत पहुँचाना तय है? ऐसा नहीं है। ऐसी स्थिति में बौद्ध या बौद्ध राष्ट्रों को चाहिए कि बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ही होगा। प्रचार प्रसार करना अपना कर्तव्य मानते हुए मानना ही होगा कि नैतिकता का धर्म बौद्ध धर्म का प्रसार करना ही वास्तविक मानवता की सेवा करना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।